एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया एक जमींदार था, इसलिए उनके पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम प्रेम था। प्रेम थोड़ा आवारा किस्म का लड़का था। वो अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा दूर भागता था, इसलिए प्रेम के पिताजी उसकी शादी कराने का निर्णय लेते हैं। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एक रात करीब 1 बजे प्रेम की पत्नी कमला अचानक अपने बिस्तर से उठी और अपने कमरे से बाहर जाने लगती है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर प्रेम की आंख खुल जाती है। इतनी रात में कमला बिन बताए कहां जा रही है? प्रेम चुपके से कमला का पीछा करता है। कमला को जरा भी होश नहीं था, वो बस चलती ही जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद कमला एक खंडर में पहुंच गई। उस खंडर में एक औरत अग्नि के सामने बैठकर लगातार कमला का नाम पुकारे जा रही थी। कमला, यहाँ मेरे पास देखो, मैंने आज तुम्हारे लिए क्या लाया है। उस औरत ने कमला को मांस का कच्चा टुकड़ा खाने को दिया। कमला बेसब्रों की तरह मांस को खाने लगी। कमला को कच्चा मांस खाते हुए देखकर प्रेम को उल्टियां आने लगती है। डर के मारे प्रेम वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो एक पुराने घर के पास पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक अघोरी बाबा से हुई। प्रेम अघोरी बाबा को सारी बात बताता है। इसे अपने पास रख लो, जब तक ये बबूती तुम्हारे पास है वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बेटा ध्यान रहे, जब तक मैं वहां नहीं आ जाऊं तुम उसे शक मत होने देना। बाबा की बात मानकर प्रेम वहां से घर के लिए निकल गया। घर पहुंचने के बाद उसने जैसे ही घर में कदम रखा तो देखा कि कमला सामने ही खड़ी थी। वो लगातार प्रेम की तरफ घूरे जा रही थी। तुम सो नहीं? आपके बिना मैं कैसे सो सकती हूँ? इतनी रात में कहाँ चले गए थे आप? वो बाहर कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे ना, तो मुझे लगा कोई चोर उचक्का तो घर में नहीं आ गया, उसी को देखने बाहर गया था। आपके पैरों में काफी मिट्टी लगी हुई है, मैं आपके लिए थोड़ा गर्म पानी ले आती हूँ, पैर धो लीजिएगा। तुम आराम करो, मैं अभी पैर धोकर आता हूँ। उसके बाद रात के करीब 3:30 बजे घर के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी अचानक किसी आदमी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर सभी लोग अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं। प्रेम देखता है कि सारा सामान टूटा फूटा पड़ा हुआ था और चारों तरफ फर्श पर खून के दाग नजर आ रहे थे। खून के निशान एक पुराने कमरे की ओर इशारा कर रहे थे। प्रेम ने जब उस पुराने कमरे का दरवाजा खोला तो पूरे घर में बदबू फैल गई। आप लोग भारी हो कि मैं अंदर जाकर देखता हूं। कमरे के अंदर का नजारा देखकर वो जोर से चिल्लाया और रोने लगा। नहीं, नहीं। क्योंकि उस कमरे में लाशों का ढेर लगा हुआ था और उसी ढेर में एक लाश प्रेम के पिताजी की थी। पिताजी, पिताजी, होश में आइए पिताजी, 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 जिसने भी आपका यह हाल किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी प्रेम की नजर सामने की दीवार पर पड़ती है। दीवार पर लिखा था, तेरी बाहों से, तेरी राहों से कहीं ना जाऊंगी मैं। दीवार पर लिखे शब्द देखकर प्रेम को अपना बीता हुआ अतीत याद आ गया। दरअसल प्रेम शादी के पहले पूर्णिमा नाम की एक गरीब लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। पूर्णिमा प्रेम को दिल और जान से चाहती थी, इतना प्यार करती थी कि वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन प्रेम के पिताजी को यह रिश्ता नामंजूर था, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्रेम की शादी अपने दोस्त की बेटी कमला से तय कर दी थी।
जब पूर्णिमा को यह बात पता चली तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। पूर्णिमा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे पिताजी तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। प्रेम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जाकर रह लेंगे, हम भाग जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर मैंने ऐसा किया तो गांव में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? पूर्णिमा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि प्रेम अपने पिताजी के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, या फिर शायद प्रेम का मन पूर्णिमा से भर चुका था। शायद इसलिए उसने एक बार भी रोती हुई पूर्णिमा की तरफ पलट कर नहीं देखा। हद तो तब हो गई जब प्रेम ने उसे पैसों का लालच दिया। मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दे दूंगा, तुम अपनी जिंदगी और बेहतर तरीके से जी सकती हो, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था प्रेम, और कुछ नहीं। अब ये मुमकिन नहीं पूर्णिमा, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी प्रेम। इतना कहकर पूर्णिमा ने जहर की बोतल निकाली और सारा जहर एक सांस में पी लिया। पूर्णिमा नहीं, पूर्णिमा! पूर्णिमा ने आखिरी सांस लेते वक्त प्रेम से कहा, तुम्हारे भाव से, तुम्हारी राह से कहीं ना जाऊंगी मैं। इस तरह पूर्णिमा ने अपनी जान दे दी और प्रेम ने कमला से शादी कर ली। मैं जानता हूं कि यह सब तुम्ही ने किया है पूर्णिमा, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी कमला का रंग रूप एकदम से बदल जाता है। जो भी हम दोनों के बीच आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस बुड्ढे की वजह से तुम मेरे नहीं हो सके, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें साथ लेने आई हूँ, चलोगे ना? एक बार मैं तुम्हारे लिए मरी थी, इस बार तुम्हें मेरे लिए मरना होगा। मैं उस वक्त मजबूर था, मुझे छोड़ दो। तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। प्रेम दर्द से तड़प रहा था, बस कुछ ही पल में उसकी जान जाने वाली थी। तभी अघोरी बाबा आकर प्रेम को बचा लेते हैं। क्यों आई है यहाँ? अघोरी, मैं तुझे भी मार डालूंगा, चले जा यहाँ से। बता क्यों आई है यहाँ? मुझे बदला चाहिए, किसी को नहीं छोड़ूंगी, इस घर के एक इंसान को मार डालूंगी। अघोरी बाबा कमला के ऊपर एक बार फिर से गंगा जल छिड़क गया, जिसके बाद कमला के शरीर से पूर्णिमा की आत्मा चीख के चिल्लाते हुए बाहर निकल जाती है। अघोरी बाबा ने उसको मंत्रों से बांध लिया। कुछ पल के लिए पूर्णिमा की आत्मा शांत हो गई और जोर से रोने लगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रेम, मुझे बचा लो। मुझे माफ कर दो पूर्णिमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तू अगर मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं हो सकता। अघोरी बाबा ने पूर्णिमा को तुरंत जलाकर राख कर दिया। किस्मत अच्छी थी इसलिए प्रेम की जान बच गई। अघोरी बाबा ने पूर्णिमा की आत्मा को मुक्ति प्रदान की और अपनी राह पर चल पड़े। तुमने मेरी बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी प्रेम चौधरी। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।